लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। उसने कांग्रेस से एक कदम आगे रहते हुए 15 उम्मीदवारों की अपनी एक सूची पहले ही जारी कर दी है। इसी के चलते अब बीजेपी किसी भी वक्त दूसरी सूची जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की इस सूची में भी कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है, जिनमें करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और झुंझुनू के नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। खबर है कि इस बार अजमेर में बीजेपी नए जाट चेहरे को उतारेगी, जिसमें दीपक भाकर का नाम संभावितों में सबसे ऊपर माना जा रहा है। यानी इस बार बीजेपी अजमेर से दीपक भाकर को आजमा सकती है। झुंझुनू और अजमेर के सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन दोनों ही सांसद चुनाव हार गए। ऐसे में इन दोनों सांसदों के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है। साथ ही करौली, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर भी चेहरा बदला जाना लगभग तय माना जा रहा है। अभी टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं, वहीं करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया सांसद हैं। मनोज राजौरिया की जगह भी कई नाम चर्चा में हैं। करौली धौलपुर में बीजेपी की संभावित कैंडिडेट्स में करौली के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान इंदु जाटव, हिंडौन सिटी की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, धौलपुर के पूर्व कलेक्टर पीएस मेहरा, सवाई माधोपुर के पूर्व कलेक्टर केसी वर्मा सहित करीब 70 उम्मीदवारों ने टिकट की दावेदारी की है। वहीं जो सांसद विधायक बन गए हैं, उनकी सीट पर कैंडिडेट फाइनल होना अभी बाकी है। यदि बात करें राजसंबंध सीट की, तो राजसंबंध सीट से सांसद दिया कुमारी अब विधायक बन चुकी हैं। अभी दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट से भी पार्टी नया कैंडिडेट उतारेगी। संभावना ये भी है कि जो सांसद विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीते थे, उन्हीं में से कुछ चेहरों को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। विधानसभा चुनाव हारने वाले बड़े चेहरों में नेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अरुण चतुर्वेदी के नाम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि पार्टी इनमें से एक या दो नेताओं को लोकसभा चुनाव में आजमाएगी। बीजेपी ने जब से लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, तभी से ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो अपनी दूसरी सूची भी घोषित कर देगी। पहली सूची में बीजेपी ने 7 नए चेहरों पर दांव खेला था, इसलिए दूसरी सूची में भी नए नाम होना तय है। पहली सूची में उसने 15 नाम घोषित किए, अब 10 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। इस सूची में 10 के नाम घोषित हो जाएंगे। पहली सूची में 8 चेहरे ऐसे थे जो मौजूदा समय में सांसद हैं, जबकि 7 नए चेहरे थे। वहीं अब बाकी बची 10 सीटों में से 6 पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है। आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी की इस दूसरी सूची में आप किन नेताओं के नाम देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।